अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो के मना अच्छे हैं वंदूराज, तो सब दोस्त कैसे हैं, आई होप के सब होंगे भालो अच्छी। तो गाइस आज जो वीडियो देखना है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उस्मान भाई आपको पता है ना कि फिशिंग जो है बांग्लादेश में बहुत होती है। जी बिल्कुल, और बहुत से लोगों का प्रोफेशन भी है बांग्लादेश में। बहुत से लोग इस रोजगार से वाबस्ते हैं और वो फिशिंग करके अपना रोजगार कमाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपना घर चलाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बांग्लादेश में फिशिंग का एक फेस्टिवल भी होता है क्या? हाँ जी। तो गाइस कल मतलब फिशिंग फेस्टिवल था बांग्लादेश में। तो हमारे एक दोस्त हैं यासीन अराफात अनंत, तो उन्होंने लिखा है जी टुडे बांग्लादेश फिशिंग फेस्टिवल डे रिएक्ट फिशिंग फेस्टिवल वीडियो। तो उन्होंने मुझे मतलब लिंक भेजा वीडियो का। फिशिंग का बहुत शौक। तो हमारे घर है जो हमारे जो गांव है उसके बाहर एक सेम नाला है, मतलब एक नाला सा है सेम, मतलब नमकीन पानी का। तो उसमें फिशेस बहुत होती हैं लेकिन वो छोटी होती हैं, मतलब इतने खाने के काबिल नहीं है, बहुत छोटी होती हैं। तो मतलब हम वहाँ से पकड़ते रहते हैं, मतलब फिशिंग करते रहते हैं, तो हमें आइडिया है कि कितना हम इंजॉय करते हैं और कितना मजा आता है। यहाँ पे फेस्टिवल है, यहाँ पे एक मिनट। तो गाइस एक मिनट ब्रेक लेते हैं, अजान का टाइम है तो एक मिनट के लिए रुकते हैं। ओके गाइस, तो बांग्लादेश में लोग किस तरीके से फिशिंग का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं और कैसे मनाते हैं इस डे को, तो वो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने में। तो आज हम देखने वाले हैं, तो जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का वीडियो। तो जमुना टीवी यूट्यूब चैनल जिनका हम वीडियो देखने वाले हैं, ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप वहां पर जाकर विजिट करना चाहते हैं उस चैनल को तो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ग्राम বাংলার ঐতিহ্যবাহী মাছ শিকারের উৎসব হয়ে গেল পাবনার ভাঙ্গুড়ায়। হাজার হাজার শৌখিন বাউত বা শিকারি এই উৎসবে অংশ নেয়। গজার মাগুর থেকে শুরু করে পুঁটি কিংবা টাকি, মাছ পাওয়া যাক বা না যাক, শিকারে অংশ নেয় সবার মুখে ছিল ভুবনজয়ী হাসি। हाँ यार, हर कोई अपना जाल उठा के मतलब नेट वगैरह लेके। पाकिस्तान पियर थे के इखाने मास मेरे आश्ची एवं इखाने अनेक बाउथ है एवं मनोकरण राष्ट्रीय एवं सिराजगंज विभिन्न इलाके थे के एवं ढाका थे के टांगेल थे के इखाने बाउथ आशे। वाह यार, वैसे कितना मजा आता होगा ना यार, सब लोग जैसे अभी निकले कितना एंजॉय होता होगा। फिशिंग के साथ साथ गाइस ये एंजॉयबल भी बहुत लग रहा है। ये मतलब वो ऐसे ऊपर वो टनल तो नेट सी আয়শা মনে করেন আমি প্রথম টানে এই মাছটা পাইছি। এত মানুষের মধ্যে মাছ মারি আমি অনেক অনেক খুশি, আমি হ্যাপি, আমি ভালো বাসি। আমি একটা গোজার মাছ পেয়েছি প্রায় 3-3.5 কেজি মাছ পেয়ে আমি খুব আনন্দিত। কবি এই ফেস্টিভাল কা শোনা নেই থা কি বাংলাদেশ মে জো ফিশিং হে উসকা ভি ফেস্টিভাল হোতা হ্যায়। এই দেখো ইয়ার বড়ি বড়ি ফিশিং দেখো, কিতনি কিতনি বড়ি মাছলিয়া। खत्म हो गया। ओके गाइस, तो ये एक शॉर्ट सा वीडियो था, मतलब एक न्यूज चैनल जमुना उनका एक क्लिप था। तो बहुत जबरदस्त, मतलब यार फिशिंग भी होती है उधर, फिशिंग तो सुना था लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था कि फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है, लोग ऐसे मनाते हैं। तो उस्मान भाई देखा है अपने इधर, जब कोई नहर वगैरह में पानी कम हो जाता है तो लोग जो है, हाँ, तो जब नहर कोई बंद हो रही होती है तो पानी नीचे खड़ा हो जाता है, तो उसमें जो कहीं कहीं जगह पर पानी खड़ा होता है तो बड़ी बड़ी जो मछलियां होती हैं, फिर लोग जो है जो मतलब फिशिंग करने जाते हैं पकड़ते हैं उनको। तो बहुत से बाहर जो क्राउड है लोग है वो रोड्स के ऊपर खड़े होकर, सड़कों के ऊपर खड़े होकर गाड़ियां रोक रोक के उनको देख रहे होते हैं कि वो कैसे जो है वो फिशिंग कर रहे हैं और मछलियां पकड़ रहे हैं। तो मतलब इतने लोग उधर इस फेस्टिवल को मतलब देखने का एक अपना मजा आता होगा। और जब खुद बंदा एंटर होके पानी के अंदर और फिशिंग करता है और खुद उस्मान भाई खुद बंदा शिकार करके जब खाता है पकाता है तो उसका एक टेस्ट और मजा ही अलग होता है कि यार मैंने खुद पकड़ी थी है। तो बहुत यार बहुत जबरदस्त था वीडियो आज का। तो थैंक यू भाईजान, आपने ये वीडियो हमें सजेस्ट किया और रिसेंटली कल ही ये
जो फेस्टिवल है ये हुआ है बांग्लादेश में, ये जो त्यौहार है फिशिंग वाला ये कल ही गुजरा है, रिसेंटली ये लेटेस्ट वीडियो है और कल जो है वो बांग्लादेश में ये त्यौहार था तो आज हमने ये वीडियो देखा है। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को? मैं तो बहुत मजा आया। मतलब किस किस ने फिशिंग की, किस किस ने ये सेलिब्रेट किया है त्यौहार और किस किस ने खुद जाकर फिशिंग की है, कमेंट करके लाजमी बताइएगा, झूठ नहीं बोलना कि मतलब कि मैंने की थी या नहीं की थी। तो अगर आपने की है तो बता रहे हैं, अगर नहीं की, मुझे पता है कि बहुत से लोग मतलब नहीं ज्वाइन कर सके होंगे इस फेस्टिवल को अपने वर्क की वजह से। और एक चीज़ ये भी आप लोगों से कि क्या इस फेस्टिवल के मौके पर लोकल हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है या फिर एज यूजुअल जो काम है वो जारी रहता है और साथ ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये कमेंट करके आप लोगों ने बताना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, टाटा बाय बाय।